हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक ऑटो के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन को। अब प्रॉपर ऑफ रोडर, अगर हम प्रॉपर ऑफ रोडर की बात करें तो ये सिंगल बाइक है जो कि आती है इंडियन मार्केट में सबसे कम रेंज में एज एन प्रॉपर ऑफ रोडर। ऑफ रोडर कहकर के एक होंडा ने भी रिसेंटली बाइक लॉन्च करी है, बट स्टिल वो ऐसी ऑफ रोडर बाइक हमको नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या है इस बाइक की खासियत और क्या क्या चीज़ें इसमें बेटर हमको मिल जाती हैं एंड इसकी प्राइसिंग क्या है एंड इसमें आपको कितने कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार एक बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन दबा दें एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू शिवा राइडर्स, अगर आप कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक परचेज करना चाहते हैं तो शिवा राइडर्स की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड अगर आपको नहीं मिलती है तो इनका एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको। ये दिल्ली मेरठ हाईवे पे हैं, ये कादराबाद जैन शिकंजी के पास में आपको इनका शोरूम देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो गाइस, फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वाइजर देखने के लिए मिल जाता है एंड नीचे जो आपको हेडलैम्प मिलता है ये राउंड हेडलैम्प देखने को मिलता है, इसमें हैलोजन बल्ब मिलता है, एक यहाँ पर LED DRL देखने को मिल जाती है एंड इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं साइड में, छोटे छोटे से इंडिकेटर हैं बट ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बल में ही इंडिकेटर्स आपको देखने को इस बाइक में मिल रहे हैं। फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट यहाँ पर रखी गई है बाइक की, फ्रॉम द फ्रंट काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड है बाइक एंड जब इसे राइड करते हैं तो काफ़ी अपवर्ड फील आता है इस बाइक को राइड करने में। एंड आप टायर साइज़ देख सकते हैं, फ्रंट टायर यहाँ पर 21 inches का देखने के लिए मिल रहा है, 90/90 की प्रोफाइल में ये टायर आता है एंड जो इसका ABS है डुअल चैनल ABS आती है। एक और खासियत है इस बाइक की कि ये स्विचेबल ABS आती है, इसमें एक स्विच भी दे रखा है जिससे हम ABS ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं एंड जो हमको फ्रंट डिस्क डायामीटर मिल रहा है वो 300 mm का मिलता है। सस्पेंशन आगे ऑल दो हमको यहाँ पर टेलीस्कोपिक ही दिख रहा है मिलता है, यहाँ पर हमको कोई अपसाइड डाउन नहीं देखने को मिल रहा। विड्थ सस्पेंशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो कितना वाइड सस्पेंशन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, सस्पेंशन पर ही हमारे फ्रंट रिफ्लेक्टर्स माउंटेड हैं। इंजन कवरिंग आपको नीचे की साइड से देखने को मिल जाती है, नीचे की साइड से पूरा इंजन आपको यहाँ पर कवर देखने को मिल रहा है एंड इंजन यहाँ पर आपको 400 cc का देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ये आता है एंड जो ये पावर प्रोड्यूस करता है 24.3 BHP की एंड टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 32 Nm का, एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। इंजन आपको यहाँ पर सिंगल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी के साथ ही देखने को मिलता है, इसमें आपको सिंगल स्पार्क प्लग देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी डुअल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करा गया एंड आप देख सकते हैं साइलेंसर कितना ज़्यादा वाइड दिया गया है यहाँ पर एंड जो साइलेंसर का साउंड है वो भी रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छा मेंटेन करा है, इस बाइक में काफ़ी सही साउंड आता है। आप साइलेंसर पर देख सकते हैं हमारा ऑक्सीजन सेंसर माउंटेड है, कैटलिटिक कन्वर्टर एंड यहाँ पर ही हमको हॉर्न भी दिया गया है। ऊपर की साइड हमको यहाँ पर कवरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है विद रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आती है। कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं पूरा कलर दिखा देता हूँ आपको बाइक का, यहाँ पर हमको रॉक रेड कलर देखने को मिल रहा है, ऑल दो इस बाइक में हमको 9 अलग अलग कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 9 colors में एक बाइक हमको देखने को मिलती है एंड जो इसकी प्राइसिंग है बाइक की, ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ यूपी की गाज़ियाबाद की, इसकी प्राइसिंग 2,70,000 rupees आपको पड़ जाती है ऑन रोड एंड जो अदर बाइक्स आती हैं वो भी इसके आसपास ही आती हैं रॉयल एनफील्ड की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। ब्रेक पेडल यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल ब्रेक पेडल देखने को मिलता है, फुटरेस्ट हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मैं कहूँ काफ़ी हैवी है ये भी, मीन्स हैवी क्वालिटी यहाँ पर यूज़ करी गई है तो क्वालिटी का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है एंड जो रेयर फुटरेस्ट है यहाँ पर हमको नॉर्मल देखने को मिल रहा है बट स्टिल यहाँ पर जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही क्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। साइलेंसर पे हमको एक कवरिंग प्लेट देखने को मिल जाती है एंड आप देख सकते हैं कि पीछे से बाइक कितनी ज़्यादा ऊँची है। सस्पेंशन हमको रेयर में मोनोशॉक एब्जॉर्वर देखने को मिल रहा है एंड स्टिल उसको हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट करा सकते हैं, काफ़ी सही सस्पेंशन रहता है। रियर पे भी हमको एक डिस्क मिलती है एज डुअल चैनल ABS के साथ आती है, डिस्क डायमीटर यहाँ पर हमको 240 mm का देखने को मिल जाता है। रियर टायर हमको यहाँ पर 17 inches का देखने के लिए मिल रहा है, 120/90 की प्रोफाइल हमको इसमें देखने के लिए मिल जाती है एंड स्पोक व्हील मिलता है, ट्यूबलेस टायर नहीं है ये, ट्यूब टायर हैं दोनों ही, यहाँ पर स्पोक व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूब आते हैं, ये ट्यूबलेस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं।
तो गाइस मैंने जैसे कहा था आपको, एक बार मैं इसका स्टार्ट करके इंजन नॉइज सुना देता हूँ। सो गाइस ये इस वक्त नॉर्मल है, थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं फिर देखते हैं। इंजन नॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड स्मूथ है, कोई यहाँ पर मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड जब मैंने इसे चलाया था इसमें कोई वाइब्रेशन भी मेरे को फील नहीं हुआ। सेंटर में यहाँ पर आपको एक हिमालयन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ग्राफिक्स से है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पर ये। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं रियर ग्रैब हैंडल्स साइड में प्रोवाइड करे गए हैं। एंड यहाँ पर आप अपना लोड भी कैरी कर सकते हैं, 7 kgs यहाँ पर लिख रखा है, मैक्स लोड 7 kg तक यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। रियर पे टेल लाइट सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LED में एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टेल लाइट सेटअप यहाँ पर LED में देखने को मिलता है। एंड नीचे की साइड हमको नंबर प्लेट सेक्शन, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर एंड साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इधर की साइड हमको यहाँ पर गार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, रियर गार्ड व्हील गार्ड्स। एंड चेन सेटअप हमारा ओपन चेन सेटअप देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे 5 speed के ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसमें हमारा फ्रंट मतलब एक गियर हमारा नीचे की साइड और बाकी के गियर हमारे अपवर्ड्स होते हैं। दो मिडिल स्टैंड भी इस बाइक में हमको प्रोवाइड करा गया। एंड जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इस बाइक की। एंड जो इसका कर्व वेट है वो 200 kgs है, मीन्स 199 kgs है, 200 कह सकते हैं। सीट की बात करता हूँ मैं पहले, सीट आप देख सकते हो कि कितनी सही यहाँ पर सीट देखने को मिल रही है। स्प्लिट सीट में हमको बाइक देखने को मिलती है। एंड ये देखिए गाइस, कुशनिंग मीन्स वाओ, ऐसी कुशनिंग किसी और बाइक में तो मेरे को देखने को नहीं मिली है। तो बहुत ज़्यादा सही सीट की कुशनिंग यहाँ पर हमको प्रोवाइड करी गई है। पेट्रोल टैंक हमारा 15 लीटर का आता है, माइलेज आपका राइडिंग के स्टाइल पर डिपेंड करेगा। ऑल द कंपनी जो क्लेम करती है इन सिटी 30 एंड ऑन हाईवे 37 का क्लेम करती है। हैंडल बार आपका काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही रहता है ये वाइल राइडिंग, तो काफ़ी मज़ा आता है जब हम राइड करते हैं बाइक को। सामने की साइड आपको बीजी सा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर, RPM मीटर आपको ये सेपरेट देखने को मिल रहा है। स्पीडोमीटर यहाँ पर है आपका, RPM मीटर इधर है, ये आपका RPM मीटर है। नीचे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका टोटल किलोमीटर रीडिंग, ट्रिप ए बी एंड आपका टेम्परेचर, टाइमिंग, एवरेज सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। एंड साइड स्टैंड वार्निंग भी इसमें देखने के लिए मिल जाती है। न्यूट्रल के लिए एक अलग डिस्प्ले दिया गया, ये आपका न्यूट्रल डिस्प्ले है, ये भी डिजिटली देखने को मिल रहा है। एंड न्यूट्रल का साइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, काफ़ी सारे वार्निंग लाइट्स भी आपको वहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहे हैं। फ्यूल टैंक आपका यहाँ पर एनालॉग ही रखा गया है। एंड राइट साइड पर आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पर यहाँ पर हमारा ये नेविगेशन के लिए डिस्प्ले दिया गया है, जिसको हम अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी USB चार्जिंग स्लॉट देखने को नहीं मिल रहा है। स्विच गियर सेटअप्स की बात करें तो स्विच गियर सेटअप में यहाँ पर हमको इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाता है। एंड हमारा ये हैजार्ड स्विच देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड सेल्फ एंड लेफ्ट साइड पे हमारा पास स्विच, हाई बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न देखने को मिल जाता है। एक बार हॉर्न सुन लेते हैं कैसा है इसका। काफ़ी हैवी हॉर्न है, जैसे बाइक हैवी है वैसी हॉर्न भी हैवी इसमें दिया गया है। मिरर यहाँ पर ऑल दो डिसेंट साइज़ के मिरर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक बार इसका मैं बॉडी पॉस्चर भी दिखा देता हूँ कि बैठने के बाद बाइक पर आपको बॉडी पॉस्चर कैसा आता, कितनी कंफर्टेबल रहती है, वो भी आप देख लें। एंड जो बाइक की सीट हाइट है वो 800 mm है। बॉडी पॉस्चर आप देख सकते हैं कितना सही आता है, बिल्कुल हैंड स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा सही रहता है। एंड जो यहाँ पर कुशनिंग है ना यार, ये बहुत ज़्यादा सही कुशनिंग यहाँ पर दी गई है, बहुत सही है। सीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिल रही है। एंड यहाँ पर थाई सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, आपका थोड़ा सा पैर ऐसे रहता है वाइल राइडिंग, काफ़ी सही बाइक है। एंड बैलेंस में करने में भी कोई यहाँ पर बाइक को यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। स्विच सेटअप की एक चीज़ रह गई थी कहनी यार, स्विच सेटअप की जो फिट फिनिश है वो बहुत ज़्यादा सही लगी है मेरे को। ऑल दो मेरे को जो इनका दूसरा स्विच सेटअप आता है क्लासिक या फिर मिटियाओ में, वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट ये वाला स्विच सेटअप मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिट फिनिश के साथ यहाँ पर आ रहा है। हैंडल बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा लाइट रहता है वाइल राइडिंग।
तो यहाँ पर हमको कोई भी कट वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक्स्ट्रा माउंट्स भी लगा सकते हैं इस बाइक पे, तो वो सारी दिक्कतें भी इस बाइक में है ही नहीं। तो पीछे की साइड आप यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा माउंट्स जो भी रहते हैं यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी सही बाइक है ये। अगर आप परचेज़ आउट करना चाहते हैं तो शोरूम की डिटेल्स मैंने आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में और स्टार्ट में भी बताई है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।